कानपुर में बीजेपी विधायक और आईपीएस के बीच बहस, दोनों ने एक दूसरे को टशन दिखाया, मामला हो गया। उस मामले पर आईपीएस ने बेसिक सवाल किया, बीजेपी एमएलए ने टकासा जवाब दिया, फिर आईपीएस ने खड़े होकर बीजेपी एमएलए को घूरा, बीजेपी विधायक ने कह दिया अकड़ ना दिखाइए, वीडियो हो गया वायरल। आप अगर बताए मैं भी जनता का बात करें, किस तरह बात करें, ये बिहेव रहा है। अरे आप यूपी के कानपुर में एक सब्जी विक्रेता ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए खुद की जान ले ली। अपनी जान लेने से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें सब्जी विक्रेता ने अपने दर्द बयां किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। इस बीच क्षेत्र के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा मौके पर पहुंचे, जहाँ उनके एक पुलिस अधिकारी से नोकझोंक हो गई। दरअसल इस घटना को लेकर परिवार वालों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी वहां मौजूद थे। तभी बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक और आईपीएस अमोल मुरकुट में नोकझोंक हो गई, जिस पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने आईपीएस को वहां से चले जाने को कह दिया। घटनाक्रम के बीच पब्लिक ने हूटिंग शुरू कर दी। मुझे मिले कर दूंगा आपका, मतलब आपका ये नहीं, आप पर्सनली मुझे किस और मामला क्या है? आप देखिए विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। आप जो कैसे जाइए, आप यहाँ से बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं, आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का वकील बात करें, आप इतने बात कर रहे हैं, हुआ यूं कि सब्जी विक्रेता की मौत को लेकर विधायक कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। इस पर आईपीएस अमोल मुरकुट ने बीच में टोकते हुए कहा कि आप मुझे व्यक्तिगत क्यों बोल रहे हैं, आप मामले को लेकर बोलिए। जिस पर विधायक ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता में पुलिस को लेकर काफी अविश्वास है। ये सुनते ही आईपीएस उठ खड़े हुए और विधायक को घूरने लगे, जिससे लेकर विधायक ने कहा कि ज्यादा अकड़ ना दिखाइए, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। आखिर में आईपीएस वहां से उठकर चल देते हैं तो विधायक कहते हैं हाँ जाइए यहां से, चलिए उठिए, कोई जरूरत नहीं आपकी। आप जो कैसे जाइए, आप यहाँ जाइए, कोई जरूरत नहीं, आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का वकील बात करें, बात करें, ये भी मेरा है। अरे आप जाइए, बात कर रहे हैं, जिसके बाद वहां मौजूद जनता जोर जोर से शोर मचाने लगती है और आईपीएस को गुस्से में वहां से जाना पड़ता है। वहीं इस मामले में विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि कमिश्नर साहब से हमें विश्वास मिला है कि इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद तत्काल कार्रवाई होगी, फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है। गौरतलब है कि बीती रात सब्जी विक्रेता सुशील कुमार ने दारोगा और सिपाही की बदसलूकी से आहत होकर मौत को गले लगा दिया। आरोप है कि दारोगा और सिपाही सुशील से न सिर्फ पैसे छीन लेते थे बल्कि उनके साथ गाली गलौच भी करते। पुलिस वालों की हरकतों से परेशान होकर सब्जी विक्रेता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना को लेकर अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। हैरानी इस बात की है कि सुशील ने दारोगा की शिकायत सचेंडी थाने में की थी, लेकिन आरोपी दारोगा पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल मृतक के भाई ने चौकी इंचार्ज सत्येंद्र यादव और सिपाही अजय यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है।